અને હવે નજર કરીએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર। पीएम मोदी ए 89 में वक्त करी मन की बात संबोधन दरमियान पीएम मोदी कहू देश में वधी रह्यु छे स्टार्टअप आ देश माटे गर्व की बात छे। अमित शाह गुजरात प्रवासों आज बीजो दिवस गोधरा में सीएम भूपेन्द्र पटेल साथ आपी हाजरी पंचमहाल जिला की पीडीसी बैंक की नवी बिल्डिंग करू लोकार्पण। गोधरा में अमित शाह विविध कार्यक्रमों पंचमहाल गोधरा में अमित शाह मोबाइल एटीएम ने आपी लीली झंडी। अमित शाह गुजरात ने आपी विकास की भेट पंचमहाल में पंचामृत डेरी ऑक्सीजन प्लांट करू लोकार्पण। खेड़ा नड़ियाद खाते पुलिसकर्मी रहनाक बिन रहनाक मकानों अमित शाह करते लोकार्पण। 30,000 लोग बेसी सके व्यवस्था कराई भाजप धारासभ्य होद्देदारों सहित कार्यक्रम उपस्थित रहते। केन्द्र रमतगमत मंत्री अनुराग ठाकुर आज अमदावाद में नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूमिपूजन में आपसे हाजरी। सभा संबोधन बाद सांजे आईपीएल फाइनल मैच पर मानशे ठाकुर। चूंटणी नजीक आता अरवली भिलोड़ा में कांग्रेस एक्शन मोड में केवल जोशियारा भाजप में जोड़ाया बाद कांग्रेस में बैठकों दौर शुरू। 2 जूने आयोजित आदिवासी महासम्मेलन दोलवाणी 3 रस्ता खाते बैठक योजाई। बैठक में केन्द्रीय कांग्रेस नेता मधुसूदन बिस्त्री बायड धारासभ्य जसुभाई पटेल सहित जिला कांग्रेस प्रमुख पण रह्या उपस्थित। नारसोली नजीक आवेला पार्टी प्लॉट में सम्मेलन योजाशे 10,000 आदिवासी हाजर रहे तेवी शक्यता। महिसागर नवनिर्मित जिलाधिक कक्षकनी कचेरी लोकार्पण पत्रिका में नाम न लखाता दुख। जिला में 3 विधानसभा में मात्र 2 विधानसभा धारासभ्य नाम लखाया। धारासभ्य अजीत सिंह ने थी दुखनी लागणी कहू कांग्रेस धारासभ्य होवाथी नथी लखायो पत्रिका में नाम कोई ना कहेवाथी अथवा राजकीय दबाण लईने नाम न लखता अनुभव्य दुख। राजकोट उपलेटा में आवेल वेणुबे डेम 5 दरवाजा आज सवार 11 वागे 5 फूट खोलवामां आवशे। गतेथड गामे प्री मॉन्सून कामगीरी हाथ धराशे। वेणुबे डेम में क्रेस्ट पर पानी जत्थो छोड़वामां आवशे। डेम में 91,935 क्यूसेक पानी छोड़ाशे। डेम नीचे आता असरग्रस्त विस्तार गामों में कांठा विस्तार लोगों ने नदी पट में न जवा तंत्र द्वारा अपील कराई। वेणुबे डेम में पानी जत्थो छोड़ता पहला तंत्र लोगों ने कराया सावचेत। नदी पट में मशीन इलेक्ट्रिक मोटर पाइपलाइन ढूर ढांकर के वाड़ाओं वावेतर करता लोगों ने नदी पट में न जवा तंत्रे करी अपील। अरवली भिलोड़ा में जनाली ग्रामजनों ने आरोग्य की सुविधाओं न मिलता नाराज। वर्षो की आरोग्य की सुविधाओं मुद्दे अनेक रजूआतों बाद मांगनी न संतोषाता ग्रामजनों ने आंदोलन की चीमकी उच्चारी। 1985 बेचना गुजरात केडर अधिकारी डीजीपी आशीष भाटिया ने मिलियो 8 महीना एक्सटेन्शन। 31 मे रोज कार्यकाल थत हो पूर्ण। गीर सोमनाथ गीरगढ़ा में फाटसर गाम में 7 सिंह धाम में सिंहण और सिंहभाल सहित 7 सिंह दिखाया। 15 फूट ऊंचा मकान की छत पर चढ़ी आराम करवाता दिखाया। कलाकों सुधी आराम कर जंगल में रवाना थया था। जूनागढ़ रहनाक विस्तार में 2 सिंह लटार मारता दिखाया। मेंदड़ा तालुका केनडीपुर गा में सिंह लटार मारता सीसीटीवी फूटेज सामने आया। भावनगर नजीक खेडूत मेवी रहा है सारी खेती। रूवा चित्रवाड़ी अखवाड़ा अधेवाड़ा सहित विस्तार में तांदळजा और पालक की खेती करे नफो। खेडूत 5,000 जेटला मूड़ी रोकाणनी सामे मात्र एक ज मास मेळवे छे वळतर। चौमासु नजीक आता वरसादी वातावरण में मात्र 20 दिवस अंत भाजीनो पाक थाय तैयार। खेडूत एक बेखा दीठ रूपया 20 से 25 हजार जेटलो मेळवे छे नफो। उनाळा में आजीविका अवकाश वच्चे तांदळजा की खेती खेडूत माटे फायदाकारक। देश में चौमासु बेसवा ने हजू जो पड़े राह। केरल में 2 थी 3 दिवस में चौमासु बेसवा अनुमान। राज्य में वादळछाया वातावरण रहेशे। मछीमारों ने दरियो न खेड़वानी सूचना। प्री मॉन्सून एक्टिविटी भागरूपे दरियाकांठे 40 से 50 किलोमीटर की गति पवन फूंकावा शक्यता। मछीमारों ने दरियो न खेड़वा हवामान खाताए कर्यु सूचन। हवामान विभाग की आगाही वच्चे तापी में सवार थी वादळछायो वातावरण छवायु। व्यारा में सवारे वरसादी झापटा पड़ता वातावरण में ठंडक प्रसरी। वरसाद पड़ता उनाळु डांगर और केरी पाक ने लई खेडूतों की चिंता वधी। एनसीबीए समग्र भारत में हेरोइन की हेराफेरी करता मोटा नेटवर्क पर्दाफाश कर्यो। एनसीबीए 34.82 किलोग्राम हेरोइन दिल्ली थी कर्यु जप्त। सिंडिकेट नाइजीरियन ड्रग्स साथ 8 ड्रग पेडलर की धरपकड़ कर 5.8 लाख रूपया रिकवर कर।
दिल्ली बेंगलुरु और इंदौर संयुक्त ऑपरेशन बाद मिली सफलता। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर त्रण महिलाओं में एक महिला सूटकेस तलिया में छुपायेल 7 किलो हेरोइन एनसीबीए जप्त कर। મહેસાણાના વિજાપુરમાં રાણાસરના પેટ્રોલ પંપ પર લૂંટ દૃશ્ય। ફ્યુઅલ સ્ટેશનમાં 5 લૂંટારો દિવાલ કૂદી પંપની ઓફિસમાં ઘૂસ્યા। ઓફિસના ડ્રોઅરમાંથી ₹20,000 ની કરી લૂંટ। સીસીટીવીના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। પાટણના હરીશમાંથી સોલાર પ્લેટની ચોરીનો ભેદ ઉકેલ આવ્યો। કાતરા ગામેથી 2 દિવસ અગાઉ સોલાર પ્લાન્ટમાંથી ઝેન્કો કંપનીની ચોરી કરેલ 12 સોલાર પ્લેટોની ચોરી કરનારા 3 ઝડપાયા। પોલીસે 5 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। મહીસાગરના લુણાવાડાના ધામુદમાં અંગત અદાવતમાં ઝઘડો। વેરપુર તાલુકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ જવાનસિંહની હત્યા। જમીન કે પશુ રહેતી દેતીના ઝઘડામાં અજાણ્યા વ્યક્તિએ લોખંડનો સળિયો મારતા મોત તો 2 વ્યક્તિઓને પહોંચી ઇજા। અમદાવાદમાં સોલા બ્રિજ પાસે અકસ્માત સર્જાયો। કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા એક્ટિવાને ટક્કર મારી કાર પલટી ખાઈ ગઈ। એક્ટિવા પર સવાર યુવક યુવતી બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયા। મહીસાગરના લુણાવાડા 4 કોસિયા પાસે સર્જાયો અકસ્માત। એક જ પરિવારના 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ થયા મોત। ટ્રક ચાલકે બાઇક પર સવાર માતા પિતા અને 2 બાળકોને લીધા અડફેટે। નાયબ જિલ્લા પોલીસ વડા એસઓજી એલસીબી સહિત લુણાવાડા પોલીસે અકસ્માત સ્થળે પહોંચી મામલો થાળે પાડ્યો। મૃતદેહને કોટેજ હોસ્પિટલ મોકલ્યો। પોલીસે ટ્રક ચાલકને ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી। ઉબરેડાના ખારચીયા ગામે 2 જૂથ વચ્ચે અથડામણ। હુંબલ જૂથના ઇસમે સુમરા જૂથના ઇસમ સામે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવા તેમજ ગામની નદીમાંથી સ્મશાન માટે રેતી ભરવાને લીધે થઈ મારામારી। વાહનો હોટલમાં તોડફોડ। જૂથ અથડામણમાં થતા ભાયાવદર પોલીસ મથકે બંને જૂથ સામસામે નોંધાવી ફરિયાદ। પોલીસે સુમરા જૂથના 15થી વધુ હુંબલ જૂથના 8 ઇસમો સામે એફઆઈઆર નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી। સમાચારોમાં રોકાઈશું એક બ્રેક માટે, અન્ય સમાચાર આ બ્રેક બાદ।